साइंस आपको वही सारी क्या? आप प्लीज वॉइस का कंफर्म कर दीजिए, वही सारी सभी को। सो हे गाइस एंड वेलकम टू फिल्लर फॉर्म। माय नेम इज जितेंद्र गोस्वामी और आपका स्वागत है फिल्लर फॉर्म। तो आज दोस्तों ये मेरी फर्स्ट क्लास है, आपको रोजाना 7 बजे क्लास देखने को मिलेगी फिल्लर फॉर्म ऐप पे, जो आपके पेपर फर्स्ट की क्लास होगी। देखिए यहाँ पर जो भी स्टूडेंट अभी आ रहे हैं, आ गए हैं, उनका मिशन होना चाहिए JR। हमें क्या लेना है, हम एग्जाम क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे एक ही रीजन होना चाहिए, वी वॉन्ट जारे। हमारा 2023 का जो मिशन है गाइस, वो आपका होना चाहिए जारे लाना। अभी का एग्जाम हो चुका है, आंसर की काफी लोगों की आ गई, काफी लोगों को पता लग गया है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपको कंफर्मेशन दे रहा हूं कि अब जो अगला एग्जाम होगा वो होगा दिसंबर में, तो हमारी तैयारियां काफी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मिशन आप अपने व्हाट्सएप पे हर जगह लिख दो यार, हर जगह जहां पर भी आपका फोकस जाता है वहां पर लिखवाना चाहिए, वी वॉन्ट जा रहे, हर जगह मिशन जा रहे पे आपका। आपको बस अपने उस मिशन के बारे में, उस सपने के बारे में ही सोचना है और किसी चीज के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है गाइस। आई एम राइट, तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वी वॉन्ट जे आर एल। एक बार सभी लोग लिख दीजिए वी वॉन्ट जे आर एल। चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो हे गाइस एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो जिन्होंने अभी तक हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है, आप लोग सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, जहां पर आपको अपडेट देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो गया है। जिनको भी यूजीसी नेट एग्जाम में एडमिशन लेना है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हो, जहां पर आपको ये सारी क्लासेस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट पेज और सेकंड पेपर दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, नोट्स हो गए, लाइव क्लासेस हो गई, एमसीक्यू हो गया और फुल नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप ये जो पेपर है दोस्तों, ये नेट एग्जाम के साथ सेट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट पेपर लेते हो तो 2000 का आएगा, सेकंड पेपर लेते हो 2000 का आता है, बट अगर आप दोनों पेपर लेते हो तो मात्र 3000 में आपको देखने को हमारे ऐप पे देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास करीब 12 सेकंड पेपर की सब्जेक्ट है, जैसे कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, एजुकेशन, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, लॉ, ईबीएस और होम साइंस, ऐसे करीब 12 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी कोर्स को बाय करते हैं तो आपको कोड लगाना है JITUT10। तो अगर आप ये कोड लगाओगे तो आपको कोई भी कोर्स के ऊपर 10% का ऑफ मिल जाएगा, जो काफी बड़ा है। तो JITU आपको 10 यूज करना है, जहां पर आपको 10% का ऑफ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर काफी लोगों को टाइम टेबल समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट पेपर का टाइम टेबल समझा देता हूँ। फर्स्ट पेपर पे जो ऐप पे क्लासेस होती है वो एक होती है 12 बजे और एक शाम को 7 बजे। ये दो क्लासेस आपके जो पेड स्टूडेंट है ये उनके लिए क्लासेस होती है, जो हमारे पेड स्टूडेंट है 12 बजे और 7 बजे उनकी क्लासेस यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं जो हमारी यूट्यूब पे क्लासेस होती है दोस्तों, वो होती है रात को 9 बजे। हमारी जो यूट्यूब पे क्लासेस होगी वो रात को 9 बजे होगी। ठीक है, अब सेकेंड पेपर की मैं बात करता हूँ। देखो ऐप पे जो क्लासेस होती है वो ओनली पेड स्टूडेंट के लिए ही होती है गाइस। ठीक है, तो जिन्होंने भी पे किया होगा या जिन्होंने भी कोर्स ज्वाइन किया है उन्हीं के लिए क्लास होती है। और जो नॉर्मल क्लासेस है, मैं आपको एक बार टाइम टेबल समझा दूं। मंडे के दिन 9 बजे पॉलिटिकल साइंस होगा सुबह, ठीक
सुबह 10 बजे हिंदी, 6 बजे ज्योग्राफी, 8 बजे कॉमर्स। वहीं अगर मैं मंगलवार की बात करूं, 9 बजे पॉलिटिकल साइंस, 10 बजे हिंदी, 6 बजे ज्योग्राफी और 8 बजे कॉमर्स। ये मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब की क्लासेस की। वहीं अगर मैं बुधवार की बात करूँ तो सुबह 7 बजे इंग्लिश की क्लास, 10 बजे एजुकेशन, 5 बजे सोशोलॉजी, 6 बजे हिस्ट्री। वहीं अगर मैं गुरुवार की बात करूँ सेम ही टाइम टेबल चलेगा, शुक्रवार को 10 बजे होम साइंस, 8 बजे लॉ, 6 बजे लॉ, 8 बजे ईवीएस और 10 बजे इकोनॉमिक्स। तो ये सारा टाइम टेबल आपको पता होना चाहिए। अगर आप हमारा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो वहां पर आपको अपडेट आ जाता है। वहीं अगर आपने कोई ऐप का पेड कोर्स लिया है तो वहां पर भी आपको चीजें देखने को मिल जाती है। अब मैं कौन हूँ? मैं हूँ जी आपका जीतू भैया। फर्स्ट पेपर की मैं फैकल्टी हूँ। मैं आपको आईसीटी और हायर एजुकेशन करवाऊंगा। अब आपके माइंड में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप एक बार प्लीज मुझे मेंशन कर दे। कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है या कोई भी क्वेरी है तो आप एक बार प्लीज मुझे मेंशन कर दे, क्योंकि देखो यार आपके डाउट आना काफी इंपॉर्टेंट है। गाइस प्लीज किसी को टाइम टेबल में कोई प्रॉब्लम है या किसी में भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज एक बार मुझे अपडेट कर दो। अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है या जो भी है तो आप प्लीज, वीडियो डाउनलोड नहीं होता है, देखो यार जिन्होंने पेड कोर्स लिया है ना उनका वीडियो डाउनलोड हो जाएगा, वो डाउनलोड के अंदर जाएगा। नीतू मैम अभी लीव पे गई हुई है, 6 महीने की लीव है यार, आपको पता होगा सभी को, उनकी शादी हुई है। नहीं नहीं तो उनको एक गैप चाहिए चाहिए, और देखो सभी के पर्सनल लाइफ होती है, फिर वो 6 महीने के बाद ज्वाइन करेगी। और चंद्रशेखर सर भी अभी फर्स्ट पेपर का टाइमिंग चेंज नहीं हो पाएगा। देखो यार टाइमिंग बहुत फ्लेक्सिबल हम लोगों ने बनाया है, हमने तीनों जगह टाइम रखा है, दिन में भी है, शाम को भी है और रात को भी है, तो उस अकॉर्डिंग टाइम टेबल हमें बनाना पड़ता है। और कोई डाउट क्वेरी तो देखो मेन में आया ही हूँ आप लोगों के पास, इसलिए कि आपको कोई डाउट क्वेरी हो। अब देखो हम लोग जो पढ़ेंगे ना फर्स्ट पेपर की, मैं फैकल्टी तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ, 10 हमारे पास यूनिट है, ठीक है? जो क्लासेस हो गई हैं वो आपको लाइव वाले क्लासेस में देखने को मिल जाएगी। चंद्रशेखर सर के बेबी हुआ था आप लोगों को पता होगा, तो थोड़े बिजी है। देखो यार पर्सनल लाइफ को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सब लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो मैं आपको समझा दूं, 2 यूनिट मेरे पास है, तो हम लोग आईसीटी को करेंगे और हायर एजुकेशन को करेंगे हम लोग, ठीक है? सना मैम जो है आपकी वो मैथ करेगी, रीजनिंग करेगी और डीआई करेगी। वहीं जो प्रियंका मैम है वो आपका फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट और 9 यूनिट देखेगी। चलो मैं ऐड कर दूंगा आप सभी को एक ग्रुप में, यू डोंट वेरी गाइस, ठीक है? अब हम लोग जो कल पढ़ेंगे ना वो हम लोग आईसीडी को स्टार्ट करेंगे। हम लोग, मैं सबसे पहले आईसीडी को स्टार्ट करूंगा, और हम लोग क्या करेंगे, एवरी वीक हर संडे को हम लोग क्यूज करेंगे, मॉक टेस्ट हम लोग यहाँ पर करा करेंगे। एवरी संडे हम लोग क्यूज करेंगे, जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको क्यूज में करेंगे, और अगले दिन हम उसको सोल्व आउट करेंगे। अगले दिन हम उसको क्या करेंगे, सोल्व आउट करेंगे, और ये सारी क्यूज जो होगी वो फ्री वाले फ्री लोग भी देख पाएंगे, ठीक है? और कोई डाउट क्लियर नहीं? देखो अभी शुरुआत हुई है तो टाइम लगेगा सेटलमेंट में, बट धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। गाइस प्लीज आप लोग बताओ कोई डाउट, कोई क्वेरी। ठीक है, और देखो आपकी जो पेड वालों की क्लास एक 12 बजे होती है और एक 7 बजे होती है, और अभी एक क्लास आपकी रात को 9 बजे है जो यूट्यूब पे होगी, ठीक है? जो लेगी प्रियंका मैम, ठीक है गाइस? कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई भी इश्यू आपको आता है।
रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो गई है गाइस, रेगुलर जो क्लासेस हैं वो आज से स्टार्ट हो गई है। पेपर सेकंड का जो टाइम टेबल है आपके पेड कोर्स में अपडेट हो चुका है, ठीक है। 8 बजे पेड वालों की क्लासेस, 8 बजे कॉमर्स की। टाइम टेबल आपके ग्रुप में है गाइस, आपका जो पेड कोर्स है ना उसके अंदर आपका टाइम टेबल है पहले से, ठीक है। यस, और मैं जीतू भैया हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो ना कभी भी तो आप मुझे कॉल कर सकते हो इन नंबर पे ही, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और ऐसे तो ग्रुप में मैं हूँ ही आपके सभी के, तो वहां पर आपका चैट पे मेरा नाम आता ही, हम लोग वहां पर सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़ो, मैं आपको पूरा सपोर्ट दूंगा, आपको भी मुझे सपोर्ट देना, हम लोग साथ में चलेंगे और 8 अक्टूबर तक हमारा सिलेबस हो जाएगा गाइस, 8 अक्टूबर तक आप लोगों का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी के लिए, आज के लिए मैंने इंट्रो दे दिया है गाइस, ठीक है। कल से हम लोग शुरुआत करेंगे, और आप एक बार ऐप को ओवरव्यू की मैंने पीडीएफ भेज दी है। देखो यार, सब फैकल्टी एक अलग अलग यूनिकनेस की होती है। मैथ रीजनिंग जिनको डीआई आती है उनको हर कुछ नहीं आएगा। पेपर फर्स्ट के लिए 3 फैकल्टी आपको या 2 फैकल्टी आपको चाहिए। क्लासेस स्टार्ट हो गई ना, एक क्लास तो 12 बजे हो गई आपकी, हो गई ना एक क्लास, और एक क्लास अभी है, ठीक है। आपको जो भी अपडेट होगा वो ऐप पे मिल जाएगा आराम से। देखो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, मैं भी देखो हर जगह यार आप कहीं भी जाते हो ना तो कुछ ना कुछ चीज आपको समझ में नहीं आती, बस धीरे धीरे आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड गाइज, ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।